बच्चों, हमारा आज का इसमें आपके जो सर्कल ग्राफ यानी पाई चार्ट था वो कंप्लीट हो गया, और उसके बाद हमारा जो नया टॉपिक है इसमें वो है चांस एंड प्रोबेबिलिटी। बच्चों, ये जो वर्ड है चांस, चांस आपने सुना होगा और आप देखते होंगे अपनी रियल लाइफ में, डेली बोलते होंगे जरूरी से। तो चांस का मतलब क्या है वो आप समझिए पहले। चांस मतलब मौका। जैसे आपने एक मान लो क्वाइन को टॉस किया, तो कोई कहे कि हेड आने का चांस कितना, टेल आने का चांस कितना, ठीक है। तो चांस वर्ड का मतलब हो गया मौका। तो इसमें जो ये चांस एंड प्रोबेबिलिटी वर्ड है, प्रोबेबिलिटी अलग है, चांस अलग है। तो चांस मतलब एक आपके पास में किसी एक्सपेरिमेंट में जो आपके आउटकम्स होंगे उनके क्या चांसेस हैं आने के, वो होगा। देयर आर सर्टेन एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट्स हुज आउटकम्स हैव इक्वल चांस ऑफ आने का, मतलब अकरिंग। अकरिंग वर्ड किसके लिए लिया? आना। एक्सपेरिमेंट में आपके पास इक्वल चांस आना, ठीक है, वही क्या कहते हैं आप, उसे चांस कहते हैं। जैसे आपने क्वाइन को टॉस किया, तो आपके पास हेड आने का और टेल आने का इक्वल चांस है, ठीक है। वही आपकी पॉसिबिलिटी, संभावना भी इसे ही कहते हैं कि आपका हेड आना और टेल आना, तो दोनों का चांस सेम है इसमें। तो हमने वही बात बताई, देयर आर सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स हुज आउटकम्स हैव इक्वल चांस ऑफ अकरिंग। अब इसमें दूसरा आपका जो डेफिनेशन है वो है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब बच्चों ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसके हमें जो रिजल्ट हैं, जो आउटपुट हैं, जो आउटकम्स हैं, वो एडवांस में नहीं पता, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने क्वाइन को टॉस किया, क्या आपको मालूम है कि क्या आएगा, हेड आएगा कि टेल आएगा? नहीं मालूम है, तो वो क्या हो गया, हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का मीनिंग क्या है, जिसका जो रिजल्ट है, जो आउटकम है, आप पहले से नहीं बता सकते। ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज वन हुज आउटकम्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। इन एडवांस जिस टेस्ट का, जिस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आप एडवांस में नहीं बता सकते, उसके आउटकम को नहीं बता सकते, वो एक्सपेरिमेंट क्या कहलाएगा? रैंडम एक्सपेरिमेंट। इक्वली लाइकली, इसमें एक वर्ड आता है इक्वली लाइकली। अब जैसे हेड और टेल, क्वाइन को टॉस करने पर आपने देखा तो दोनों के आने का इक्वल चांस है, तो आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली इफ ईच हैज द सेम चांस ऑफ अकरिंग। आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली इफ ईच हैज द सेम चांस ऑफ अकरिंग। इफ ईच हैज द सेम चांस ऑफ अकरिंग, अगर दोनों के आने का या सबके आने का पॉसिबिलिटी सेम है, तो उन्हें क्या कहेंगे हम? इक्वली लाइकली। जैसे हेड आने का भी और टेल आने का भी, उस एक्सपेरिमेंट में जब आपने क्वाइन को टॉस किया, दोनों का सेम है, तो उन्हें क्या कहेंगे? इक्वली लाइकली आउटकम्स।
इसके बाद प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ी तो पहले भी है, सेवेंथ में भी, अभी भी, और ये तो आपके पास में ट्वेल्थ तक होती जाएगी, नाइन्थ में भी होगी, टेंथ में भी, इलेवेंथ ट्वेल्थ सब जगह प्रोबेबिलिटी होगी। तो प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है बच्चों, हमने सेवेंथ में भी पढ़ा था। प्रोबेबिलिटी का मतलब हो गया कि किसी एक्सपेरिमेंट में जो फेवरेबल आउटकम्स हैं और जो टोटल आउटकम्स हैं उनका रेशो है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या हो गया बच्चों, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब आप बताइए, जैसे मैंने क्वाइन को टॉस किया था तो आप बता सकते हैं उसमें हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी। तो देखिए, अब जब क्वाइन को आप टॉस करते हैं एक बार तो या तो हेड आता है या टेल, दो ही पॉसिबिलिटी हैं। तो हेड आने के लिए फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, एक, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए, दो, वन एंड वो हेड एंड टेल दोनों। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स वन और टोटल आउटकम्स कितने, टू। फॉर एग्जाम्पल, इन टॉसिंग ए क्वाइन वंस, मैंने क्वाइन को सिर्फ एक बार टॉस किया, द प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो फेवरेबल आउटकम उसमें कितने हुए आपके पास, वन, और टोटल आउटकम कितने हुए, टू, तो वन अपॉन टू। जैसे इसमें आपसे पूछा गया एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट्स। देखो, पहला एक्सपेरिमेंट है, ये आपको फिगर दी गई है, इसमें स्पिनिंग ए व्हील, तो इसमें क्या क्या आउटकम आपके हो सकते हैं वो बताइए। तो इसमें आउटकम आपके पास ए आ सकता है, या बी आ सकता है, या सी आ सकता है, या डी। तो आउटकम्स में आपके पास इसमें हो जाएंगे, इस पूरे एक्सपेरिमेंट में, ए बी सी डी, ठीक है, लिख सकते हैं। इसके बी पार्ट में टोसिंग टू क्वाइंस टूगेदर, आप देखो दो क्वाइन को टोस किया गया, तो आपके पास क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि दोनों पे हेड आ सकता है, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल आ सकता है, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड आ सकता है, या दोनों पे टेल आ सकता है। तो आपके एक्सपेरिमेंट में जो आउटकम्स हैं वो क्या हो गए बच्चों, दोनों पे हेड, या एक पे हेड दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड, और फिर या दोनों पे कितना, टेल टेल। तो कितने आउटकम्स हो गए इसमें, फोर आउटकम्स हो गए, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं ऐसे, इसकी फिगर तो बनी हुई, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं ए बी सी डी, और इसमें कितने हो गए आपके, एच एच, एच टी, टी एच या टी टी। जैसे क्वेश्चन टू है, व्हेन ए डाई इज थ्रोन, लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। अब डाई, डाई का तो आपको मालूम है बच्चों, उस पर 1 to 6 डिजिट्स लिखी होती हैं, ठीक है, 6 फेस होते हैं उसके, और उन पे सब पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट लिखी होती हैं। तो इसने कहा, व्हेन ए डाई थ्रोन, जब एक डाई को थ्रो किया गया, लिस्ट द आउटकम ऑफ एन इवेंट। अब बताओ उसमें प्राइम नंबर आने का पॉसिबिलिटी, देखो आपके पास टोटल है उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये नंबर्स उसके ऊपर लिखे हुए हैं डाई के फेसेस के ऊपर। तो पहला प्राइम नंबर कौन कौन है बच्चों, 2 है, 3 है और 5 है। तो आपके पास प्राइम नंबर आने के लिए जो आउटकम्स हैं वो कौन कौन हो जाते हैं, 2, 3, 5। और दूसरे में क्या कहा, नोट ए प्राइम नंबर, नोट ए प्राइम नंबर तो जो बच गए 1। तो इसमें दूसरी पॉसिबिलिटी थी बच्चों नोट ए प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कौन कौन नहीं है, 1, 4 एंड 6, ठीक है।
अच्छा ए नंबर ग्रेटर देन 5, अगली पॉसिबिलिटी क्या है? देखो इसमें आउटकम जो पूछा है इवेंट ए नंबर ग्रेटर देन 5, अब बताओ कौन है? 6 है, तो बस एक पॉसिबिलिटी है, कौन सी? 6। ए नंबर नोट ग्रेटर देन 5, इट मीन्स कौन कौन हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। ये मैंने आपको आज 2 क्वेश्चन बताए हैं और आज हम यहीं तक का काम करेंगे। कल हम इस एक्सरसाइज को और चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू।